Oh, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम पैथल माला। सुबह सुबह नज़ारा क्या खूबसूरत है। नीचे वाटर स्ट्रीम की आवाज़ आ रही है, बर्ड्स की आवाज़ आ रही है। और ये हमारा टेंट। तो हम अपने टेंट से ट्रैक करते हुए नीचे की ओर जा रहे हैं। रेस्टोरेंट में कुछ नाश्ता पानी करेंगे और उसके बाद निकलेंगे हम वाटरफॉल देखने के लिए। यहाँ बहुत सुंदर सी बटरफ्लाई हो रही है। तो चलिए चलते हैं, फिर देखते हैं कैसा रहेगा आज का दिन। यहाँ पे इनके प्राइवेट वाटरफॉल्स भी हैं, तो हम लौट के प्राइवेट वाटरफॉल भी कवर करेंगे क्योंकि उसका टाइमिंग 9 बजे से है। तो अभी हम पब्लिक वाटरफॉल कवर करते हैं, फिर आके यहाँ करेंगे। ये प्रॉपर्टी बहुत ही नेचुरल है। 15 एकर्स की प्रॉपर्टी है और ये ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बिल्कुल पास में है। इनका खुद का फार्म भी है, पोल्ट्री फार्म, वेजिटेशन फार्म। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी डक्स और बर्ड्स पाल रखी हैं। तो यहाँ इस प्रॉपर्टी के ओनर हमें बीज के बारे में बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बी फार्मिंग भी होती है। तो ब्रेकफास्ट में हम खा रहे हैं चने की सब्जी और यहाँ का लोकल डिश पुट्टू। ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल लिए हैं पास के वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने के लिए। रास्ते बहुत ही सुंदर और मेस्मराइजिंग है। तो हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं वाटरफॉल के रूट पर, बट हमें थोड़ा वॉक करके जाना पड़ेगा। 1 मिनट वॉक, तो हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। वाटरफॉल की आवाज़ तो आ रही है। बीच में एक छोटा सा वाटरफॉल भी मिला हमको जहाँ कोई नहीं था। तो पहुँच चुके हैं हम एयरकुंड वाटरफॉल्स। शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, बट डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर आपको सही नाम दिख जाएगा। तो हमने एंट्री ले ली है वाटरफॉल से। सीढ़ियाँ हैं और यहाँ पे एंट्री टिकट 100 रुपये पर पर्सन है, तो मुझे थोड़ा कॉस्टली लगा, बट हाँ कैमरे के कोई चार्जेस नहीं है। नेचुरल वाटरफॉल है, यहाँ पे स्विमिंग भी अलाउड है। ये फॉल इसलिए फेमस है क्योंकि ये 7 पिट्स में डिवाइड होता है और यहाँ स्विमिंग भी अलाउड है। ऐसा व्यू है, ऊपर से देखिए वाटरफॉल आता है। 1 2 3 4 5 6 7 7 पिट्स में डिवाइडेड है। वाटरफॉल के पास ही हमें दिखाई दी मालाबार विस्लिंग थ्रश, जो कि मुंह में कीड़े पकड़े थी शायद अपने बच्चों के लिए, बट उसका नेस्ट हमें नहीं दिखाई दिया। कुछ देर बाद वो मस्त वाटरफॉल में जाके नहाने लगी। ये देखकर मज़ा ही आ गया। अड़हार कुंड का मतलब मलयालम लैंग्वेज में होता है 7.5 पिट्स, मतलब 7.5 गड्ढे। इस वाटरफॉल में लगभग साल भर पानी रहता है, तो आप कभी केरला आएँ और इस तरफ आएँ तो इस अमेजिंग वाटरफॉल को ज़रूर कवर करें। हम थोड़ा नीचे भी गए देखने के लिए इस वाटरफॉल के पिट्स, बट टाइम की कमी के कारण हमें वहाँ से निकलना पड़ा। तो लगभग हर वाटरफॉल के पास आपको ऐसा स्टॉल टाइप में जैसा चाय, कॉफ़ी, ऑमलेट वगैरह मिलता है, मैगी और स्टफ़ खाने को। ये सब शहरों में मिलता है, बट यहाँ खाने का टेस्ट ही कुछ अलग होता है और फील अलग होती है नेचर के बीच में। इसको देखकर मुझे ये अपना थोड़ा आपको शेयर करने का मन किया, तो मैंने किया। और इन खूबसूरत नज़ारों को देखने के बाद हम आ गए अपने स्टे पर, लिव क्लोज टू नेचर। तो ये है, हम जा रुक रहे हैं प्रॉपर्टी के प्रोमाइसिस। से है हाय। बहुत अमेजिंग व्यू है यहाँ से। कॉमन सिटिंग एरिया, झूला झूलने के लिए भी जगह है। और ये रास्ता जाता है बर्मा ब्रिज, लग्जरी स्विस टावर और टेंट। नाइस नाइस नाइस। वाह, सो सामने है रेस्टोरेंट। गजब है यार। तो यहाँ पे बी फार्मिंग भी होती है। बीज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ सर्वाइवल के लिए। 80 to 90% जो फूड ग्रेन्स हम खाते हैं वो इनकी पॉलिनेशन की वजह से खाते हैं। तो आप समझ लो, अगर ये एक्सटिंक्ट हो गई तो फॉर श्योर विदिन 6 months या विदिन अ ईयर वर्ल्ड वॉर फूड के लिए हो जाएगा। तो हम एयरकुंड वाटरफॉल से वापस आ चुके हैं स्टे पे। अब हम जा रहे हैं यहाँ का प्राइवेट वाटरफॉल देखने और आपको भी दिखाते हैं कैसा है ये फॉल्स। तो चलिए दिखाते हैं आपको फॉल्स कहाँ है। तो जैसा कि हमने बताया कि ये स्टे ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास में है, तो यहाँ पूरा जंगल एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी यहाँ कि ये अमृता फॉल्स केरला और कर्नाटका स्टेट्स के बीच में पड़ता है। के नेचुरल पॉन्ड्स यहाँ पे स्विमिंग अलाउड है। ऊपर ही फॉल्स के से पॉन्ड्स बन गए थी। यहाँ सिर्फ हम थे और हमने अपने पैरों को पानी में डालकर फिश स्पा के मजे लिए। बहुत खुशबू हो रही है पैर में, खुशबू हो रही है। हमारा बहुत ही ओके। तो हमारा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। नीचे जाके हमने फिश पेडिक्योर कराया, बहुत गुदगुदी हुई बट बहुत मज़ा आया, है ना। इनकी तो हंसी कंट्रोल में नहीं थी। वाटरफॉल में मजा करने के बाद हमने प्रॉपर्टी के बर्मा ब्रिज पर जाकर मजा किया। एडवेंचरस एंड थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था वो भी। One more. तो अब हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं अपने स्टे से, होलिस्टिक स्टे से। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पे मदर नेचर के बीच में, बहुत मज़ा आया। व्यूज़ तो बहुत ही शानदार हैं। तो अब हम वापस जा रहे हैं कन्नूर, क्योंकि हमारी 9 बजे की बस है शाम को। तो फिर बीच में एक वाटरफॉल भी पड़ता है, अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम वो भी कवर करते हुए जाएंगे, वरना हम डायरेक्टली अपने हमने वाइट शेल जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पे हमने अपना लगेज छोड़ रखा था, वहाँ से लगेज पिक करके हम एक बीच पे जाके सनसेट देख के मज़े से फिर हम वापस बैंगलोर के लिए निकलेंगे। सी यू देन। और चेकआउट करके हम निकल लिए काराकुंड वाटरफॉल को देखने के लिए। पिक्चर्स में तो बहुत खूबसूरत लग रहा था ये वाटरफॉल, बट जब वहाँ पहुँचे तो थोड़ा डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि काफ़ी भीड़ थी वहाँ पर। बट यही एक्सपीरियंसेस हैं जो ट्रैवल हमें सिखाता है। यहाँ पर कोई टिकट चार्जेस नहीं हैं और लोगों को यहाँ पर पहुँचने के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, इसलिए यहाँ पर बहुत लोग आते हैं। नो डाउट ये वाटरफॉल सुंदर था, बट हमें ज़्यादा भीड़ वाली जगह पर मज़ा नहीं आता। हमने वहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया और वहाँ से निकल लिए कन्नूर के लिए। तो हम लोग आ गए हैं पयम्बलम बीच सनसेट देखने के लिए, जहाँ से इस ट्रिप की शुरुआत की थी वहीं आ गए। सुबह तो भीड़ नहीं थी जब हम आए थे, बट अभी काफ़ी भीड़ है शाम को। हमारे इस बेहद सुंदर देश में कन्नूर जैसी अनदेखी और अद्भुत बहुत सारी जगहें हैं, बस हमें उन्हें ढूंढने और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। ये जगह आपको जंगल, पहाड़ और बीचेस का मज़ा देती है और हमें जीवन भर याद रखने वाला अनुभव प्रदान करती है।